हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेस्ट फैक्ट के यूट्यूब चैनल में। पंजाब पुलिस की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी हुई है सब इंस्पेक्टर के लिए, यानी कि एसआई की पोस्ट के लिए। चलिए जान लेते हैं इसमें क्या है इम्पोर्टेंस और कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कब तक फॉर्म अप्लाई करेंगे, क्या फीस है, सैलरी कितनी मिलती है और नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या है। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा 9 सितंबर से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और 29 सितंबर तक लास्ट भरे जाएंगे। इसमें नंबर ऑफ़ जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे दिख रहे हैं कैटेगरी वाइज, वुमेन के लिए अलग से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एससी एसटी के लिए और जनरल के लिए सभी के लिए यहाँ पे आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे, जो है 267। रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर बैकवर्ड क्लासेस और ईडब्ल्यूएस और इसके अंडर जो भी एक्स सर्विस मैन है वो लोग आते हैं। इसमें रिक्रूटमेंट और डोमेन के लिए बात करें तो इसमें आप कई तरह के इसमें दिए गए हैं, जैसे आईटी सेक्टर में आपका ग्रुप वन में है, साइबर सिक्योरिटी है, ज्योग्राफिकल जीआईएस, डाटा माइनिंग और सभी के लिए अलग अलग पोस्ट हैं, तो ये सब पोस्ट आपको मिल सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आईटी के लिए आप 3 अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे जनरल के लिए आप 2 अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको गिवन है। ये सब जो चीज़ें हैं ये आपको इसकी जो पीडीएफ का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये मिल जाएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिला करें। दोस्तों, अगर बात कर लें स्पेशलाइजेशन की, तो आप जब भी आप फॉर्म को आप फिल करते हैं तो उस समय आप ज़रूर देखें कि आप जो अप्लाई करते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग 2 से 3 कर, जब तक नंबर ऑफ जो आपका ऑप्शन होगा वो ज़्यादा होगा तभी आपको मिल पाएंगे। और पे स्केल की बात करूँ तो सब इंस्पेक्टर के लिए है 35,400 रुपये पर मंथ। अब जान लेते हैं इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करूं तो यहाँ पे एज आपका जो मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज आप इसे ध्यान में रखें। मिनिमम एज है 18 इयर्स और मैक्सिमम एज है आपका 28 ईयर। उम्र सीमा में जो छूट मिल रही है वो रिजर्व कैटेगरी को मिलेंगी और साथ में जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं उन लोगों को और एक सर्विस मैन को 3 साल की इसमें छूट मिलती है और कई तरह के इसमें आप देख सकते हैं आपके पीडीएफ में यहाँ पर उपलब्ध है। सो इस चीज़ को आप ब्रीफ में अगर जानना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट की हाइट 5 फीट 4 इंच है और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 5 फीट है, जैसे कि सेम जो कांस्टेबल का था वही एसआई का भी है। चलिए जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो ये भी सेम है, यहाँ पे भी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, जो भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी है यूजीसी से अप्रूव होना चाहिए, आपको पता होगा। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसमें आपको इसके अंडर जो भी आते हैं, मिनिमम 3 साल आपने बैचलर किया है या फिर मास्टर्स 2 साल किया है इन गिवन जैसे कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं, आप इसे आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लें। तो आप इसमें पंजाबी लैंग्वेज आपको आना चाहिए या ये अपने जो 10th है अपनी मेट्रिकुलेशन पास हो पंजाबी लैंग्वेज से, आपके पास पंजाबी एक सब्जेक्ट होनी ही चाहिए। सो ये चीज़ें ध्यान में रखें कि वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं जिनके पास पंजाब लैंग्वेज सब्जेक्ट का नहीं हो। चलिए अब जान लेते हैं जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग, और जो डोमेन में है तो आपको मैंने अभी पहले दिखाया है स्पेसिफिकेशन, ये चीज़ें आप खुद से देख लें। और एक्स्ट्रा जो इस पर आपको बेनिफिट मिलेंगे, सो आपका स्पोर्ट्स कोटा में है 50 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ओलंपिक में या फिर ऐसे स्टेट वाइज जो भी अपने गेम में पार्टिसिपेट किया है गिवन यहाँ पे है, सो तो उसमें मिल सकते हैं छूट। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो इसमें सिलेक्शन आपको पता होगा Tier 1 और Tier 2 होता है, जो कि CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी चेक होता है वो फिजिकल मेजरमेंट होता है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस एक टेस्ट होता है। उसके बाद बता दूं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं, आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह है, आधार कार्ड है, ये सब चीज़ें वेरीफाई की जाती है। देन उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया था एग्जामिनेशन का स्कीम यही है, Test 1 में 100 मार्क्स पूछे जाते हैं, Test 2 में भी 100 मार्क्स के होते हैं क्वेश्चन, इसी के द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और ये जो फिजिकल है ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। और कट ऑफ की बात करूँ तो मिनिमम कट ऑफ 10% कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और इस अगर फिजिकल टेस्ट की बात करूँ तो फिजिकल मेजरमेंट में आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो सब असाइन में होते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे अभी हाइट बताया मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो ये चीज़ें आपका मैटर करता है वाकई में।
इसके अलावा ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें कोई रूटीन टेस्ट वगैरह नहीं देने होते हैं। इसके अलावा बात करें अगर इसमें जो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें आपका रनिंग वगैरह और जंप ये भी कैलकुलेट होता है। जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए जो रनिंग है वो 1400 मीटर का रनिंग है, वो उसे आपको 12 मिनट के अंदर में कंप्लीट करने हैं और एक चांस मिलते हैं। तो ये चीज़ें एज अ सेम है जो कांस्टेबल में था, तो वो उसके भी आप डिटेल देख सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको फॉर्म कैसे भरना है तो इसके भी डिटेल आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और सब कुछ जैसे ही आप यहाँ पे लिंक खोलते हैं, आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे विजिट करना है, एप्लीकेशन फॉर्म पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है और वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो जनरल के लिए है 2000 रुपये, एससी एसटी और पीजी के लिए है 1100 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए है 1100 रुपये और एक सर्विसमैन के लिए जो है फ़ी 900 रुपये है। सो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। और बहुत ही अच्छा पोस्ट है एसआई का, अभी कुछ दिन पहले ही एसआई का एग्ज़ाम भी हुआ है, दूसरे जो वैकेंसीज आई थी और उसका हमने यहाँ पे रिव्यू डाला है, जैसे कि आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। एग्ज़ाम रिव्यू जितने भी पंजाब पुलिस का है वो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा होगा आपके सामने। चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों सके संबंधियों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।